इवनिंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्रिगनार्ड रिएजेंट. ग्रिगनार्ड रिएजेंट वॉज डिस्कवर्ड बाई विक्टर ग्रिगनार्ड. इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द ईयर 1900 बाई ग्रिगनार्ड एंड ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1912 फॉर डिस्कवरिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट. इट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड. इट्स एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. इट्स एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दैट मीन्स इट हैज कार्बन मेटल बॉन्ड. सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद फार्मूला RMgX और ARMgX. इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन. सो हाउ ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड? वेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. वेल एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड. ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव एंड इट हैज़ ए न्यूक्लियोफिलिक कार्बन. इट हैज़ ए न्यूक्लियोफिलिक कार्बन. द कार्बन प्रेजेंट इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट हैज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सो इट कैन अटैक एनी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. सो एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन कैन कन्वर्ट ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू एल्केन. एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन कैन कन्वर्ट ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू प्रोटोन. सो लाइक RMgX व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर और व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर इट विल फॉर्म एल्केन. व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ एसिटिलीन, बिकॉज एसिटिलीन इज एसिडिक इनफ टू गिव प्रोटोन, सो दैट कैन रिएक्ट विद द अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एल्केन. सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर विल गिव एल्केन. व्हेन ट्रीटेड विथ एसिटिलीन और एनी टर्मिनल एल्काइन इट विल गिव एल्केन. इट रिएक्ट्स विथ फिनोल टू गिव एल्केन. इट रिएक्ट्स विथ एल्केन सल्फोनिक एसिड टू गिव एल्केन. इट रिएक्ट्स विथ अल्कोहल टू गिव एल्केन. इट रिएक्ट्स विथ एसिटिक एसिड और कार्बोजिलिक एसिड टू गिव एल्केन. सो एनी सोर्स ऑफ वाटर कैन कन्वर्ट ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू हाइड्रोकार्बन. सो दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू हाइड्रोकार्बन्स. इवन वाटर, अल्कोहल्स, अमाइंस आर सफिशियंटली एसिडिक टू कन्वर्ट ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन. Therefore, it is necessary to prepare Grignard reagent in anhydrous condition. Anhydrous condition. So, Grignard reagents are kept or stable in presence of ether. The composition of Grignard reagent is complex, but for our simplicity for studying, it is written as RMgX or ARMgX, alkyl magnesium halide or aryl magnesium halide. Now, keep in mind that carbonyl compound react with Grignard reagent so this attacks the carbon, this is here, so it forms hydrolysis of this will give you alcohol. So With formaldehyde, 1 degree alcohol is formed. With other aldehyde, 2 degree alcohol is formed. And with ketone, 3 degree alcohol are formed. So keep this in mind. Formaldehyde reacts with Grignard reagent and then hydrolyze to give 1 degree alcohol. Other aldehyde reacts with Grignard reagent and water to give 2 degree alcohol. And ketones react with Grignard reagent to give 3 degree alcohol. This you have to keep in mind. So when formaldehyde is treated with Grignard reagent and hydrolyzed, it gives 1 degree alcohol, that is primary alcohol. When other aldehydes are treated with Grignard reagent and hydrolyzed, it gives secondary alcohol. When ketones are treated with Grignard reagent and hydrolyzed, it gives tertiary alcohol, that is 3 degree alcohol. So this you have to keep in mind. If you treat Grignard reagent with dry ice, that is solid carbon dioxide, it will form carboxylic acid. It can form carboxylic acid. So keep this in mind, students. So Grignard reagent when treated with solid carbon dioxide and hydrolyzed give carboxylic acid. Grignard reagent reacts with nitrile to form an intermediate which is acid hydrolyzed to give
ketone, which to give ketone. So CH3CH2CN, that is propane nitrile react with phenyl magnesium bromide to give an intermediate, which on hydrolysis gave propiophenone, which gave propiophenone, also called as 1-phenyl propanone. So this was the reaction of Grignard reagent with nitrile. So do keep it in mind, students. These are useful for your upcoming exam. Thank you so much.